प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप किए थे. ये चारों फ्लिप फ्लॉप हमने प्रीवियस लेक्चर में किए हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप. इन फ्लिप फ्लॉप्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ड्रॉ की है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ की है, एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ की है. इस लेक्चर में हम कन्वर्जन करेंगे कि एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन हमें कैसे करना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. सो इस लेक्चर को आप शुरू से आखिर तक देखें, उसके बाद आप कन्वर्जन कर पाएंगे किसी भी फ्लिप फ्लॉप का किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप में. सो यहां पर हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कन्वर्ट करना है, मान लो जेके फ्लिप फ्लॉप से हमें कन्वर्ट करना है टी फ्लिप फ्लॉप के अंदर. ये एग्जाम्पल हम करते हैं शुरू में कि जेके फ्लिप फ्लॉप हमें दिया हुआ है, उससे हमें टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप इसके लिए फॉलो करेंगे हम यहां पर. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप. जो भी फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है और जो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है वो हमें रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है बेसिकली. सो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर जब हम देखें फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंगली, तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास कौन सा है? अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास क्या है? जेके, क्योंकि जेके से हमें कन्वर्ट करना है टी फ्लिप फ्लॉप में. सो जेके इज अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप. एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप क्या है? रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप इज टी फ्लिप फ्लॉप. So, ये फर्स्ट स्टेप है कि आपको जो भी एग्जाम्पल दिया है उसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड है और कौन सा फ्लिप फ्लॉप अवेलेबल है. ये आपको ध्यान से लिखना है. यदि इसको इंटरचेंज कर देंगे हम तो पूरी इक्वेशन जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी, सर्किट कुछ और ही बनेगा. सो सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है कि जो भी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी है. Make excitation table for available flip-flop. So available flip-flop क्या है यहां पर? JK flip-flop. तो second step में हम क्या करेंगे, इस JK flip-flop के लिए excitation table हम draw करेंगे. यहां पर जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में की है, यहां पर एक्साइटेशन टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं उसके लिए यहां पर प्रेजेंट स्टेट लिखते हैं, देन नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं और उसके लिए हम उसकी इनपुट्स को डिजाइन करते हैं कि इनपुट क्या रहेंगे इन प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के लिए. सो फर्स्ट यहां पर मान लो प्रेजेंट स्टेट जीरो थी और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो थी, तो जेके की वैल्यू क्या थी? जीरो, डोंट केयर. प्रेजेंट स्टेट जीरो थी, नेक्स्ट स्टेट वन थी, तो यहां पर वन डोंट केयर था. एंड प्रीवियस स्टेट वन थी, नेक्स्ट स्टेट जीरो थी, सो जेके की वैल्यू क्या थी इसके लिए? डोंट केयर, वन. और जब प्रीवियस स्टेट भी वन है, नेक्स्ट स्टेट भी वन है, सो इसके लिए क्या थी? डोंट केयर, जीरो. ये प्रीवियस लेक्चर्स में हमने की है. This is excitation table for JK flip-flop. ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कही, ये आपको याद रखनी पड़ेगी. एक्साइटेशन टेबल हमें आगे भी यूज करेंगे, जब हम काउंटर की डिजाइनिंग करेंगे तो उसमें भी हमें रिक्वायरमेंट रहेगी एक्साइटेशन टेबल की, बिकॉज काउंटर्स के अंदर आउटपुट हमें दी होती है और उसके लिए हमें इनपुट डिजाइन करनी होती है. सो ये आउटपुट कंडीशंस हैं प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और यहां पर इनपुट लिखी हमने जेके के लिए. सो ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ कि मेक द एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप. अब थर्ड स्टेप क्या है इसका? मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप.
जो भी रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए हमें करेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करनी है। करेक्टरिस्टिक टेबल भी हमने की है। करेक्टरिस्टिक टेबल में हम क्या लिखते थे यहां पर, दिस इज थर्ड स्टेप। करेक्टरिस्टिक टेबल कैसे लिखते थे हम, क्यू एन, और किसके लिए लिख रहे हैं हम यहां पर, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, क्योंकि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप टी है यहां पर। सो इसके लिए हम आउटपुट लिखते थे यहां पर क्यू एन प्लस वन क्या रहेगा इस कंडीशन के अंदर। सो फर्स्ट स्टेट क्यू एन इज द प्रीवियस स्टेट, यहां पर क्यू एन की वैल्यू मान लो जीरो है और टी की वैल्यू जीरो थी, तो इसके लिए आउटपुट क्या थे हमारे पास, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए जीरो आउटपुट थी। अब नेक्स्ट इनपुट क्या देखेंगे हम यहां पर, प्रीवियस वैल्यू क्यू एन की वैल्यू जीरो है और टी पर हमने वन अप्लाई कर रखा, तो हमें पता है कि टी फ्लिप फ्लॉप के लिए जब इनपुट वन अप्लाई करते हैं तो आउटपुट टॉगल करती है क्यू एन बार मिलती है हमें। सो क्यू एन बार क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो का क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये करेक्टरिस्टिक टेबल हमने ड्रॉ की थी जब हमने ये फ्लिप फ्लॉप किए थे। यदि आपने फ्लिप फ्लॉप की करेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जो प्लेलिस्ट है फ्लिप फ्लॉप की, उसको आप जरूर करें इसको अच्छी तरह से समझने के लिए। अब आगे मान लो क्यू एन की वैल्यू वन है और टी हमने जीरो अप्लाई कर रखा है, सो इस केस में क्या आता है आउटपुट, क्यू एन आता है और क्यू एन की वैल्यू वन है। ये करेक्टरिस्टिक टेबल है, यहां पर वन है और टी की वैल्यू भी हमने वन अप्लाई कर रखी है, सो टी की वैल्यू जब हम वन अप्लाई करेंगे तो आउटपुट क्या आता था हमारा, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट। सो क्यू एन बार कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वन का जीरो आ जाएगा। सो ये करेक्टरिस्टिक टेबल है किसके लिए, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। सो थर्ड स्टेप क्या था, मेक करेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, ये हमने टेबल ड्रॉ की है। अब हमें क्या करना है, जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप हमें क्या करना है, राइट बूलियन एक्सप्रेशन हमें राइट करना है। अब बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है। बुलियन एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, यहां पर ये जो टेबल है, जो करेक्टरिस्टिक टेबल है टी फ्लिप फ्लॉप की, इसको हम एक्सटेंड करेंगे यहां पर, और इसके लिए हम यहां पर जे के की वैल्यूज हम यहां पर लिखेंगे कि इनपुट क्या रहेगी बेसिकली। सो इनपुट हम कैसे लिखेंगे यहां पर, ये क्यू एन की वैल्यू है और ये क्यू एन प्लस वन की वैल्यू, दिस इज प्रीवियस स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। सो इसके अकॉर्डिंगली यहां पर हम जेके की वैल्यू लिखेंगे, प्रीवियस स्टेट जीरो, नेक्स्ट स्टेट जीरो, इस केस में जेके की वैल्यू इज जीरो, डोंट केयर, यहां पर क्या जाएगा जीरो, डोंट केयर। उसके बाद क्यू एन जीरो है एंड क्यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, तो इसके लिए क्या आ जाएगा यहां पर वन, डोंट केयर। देन क्यू एन की वैल्यू भी वन है और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू भी वन है, तो ये पोजीशन थी हमारे पास, तो इसके लिए क्या आएगा, डोंट केयर जीरो। अब क्यू एन की वैल्यू वन है, क्यू एन प्लस वन की वैल्यू जीरो है यहां पर, तो ये कंडीशन है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, डोंट केयर वन। सो यहां पर हमने डोंट केयर। सो इस तरह से हमें ये टेबल को एक्सटेंड करना है। इसके बाद हम जे और के लिए यहां पर बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन हम कैसे लिखेंगे, के मैप यूज करके। यहां पर ये जे के लिए लिखेंगे हम पहले, यहां पर फर्स्ट हम क्या लिखें, फॉर जे हम कैसे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंगली टू वेरिएबल्स हैं यहां पर, सो क्या आ जाएगा यहां पर, फोर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे यहां पर इस तरह से। एमएस भी क्या है, क्यू एन, यहां पर हम क्यू एन लिखेंगे, देन यहां पर टी लिखेंगे, ये जीरो है, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है। सो अब इन वैल्यूज को हम इसमें रखेंगे यहां पर, जीरो जीरो के लिए जीरो है यहां पर, जीरो वन के लिए वन, ये जे की वैल्यू ये हमें इसके अंदर फिल करनी है, जो जे की वैल्यूज है, जीरो वन के लिए वन है यहां पर जो हमने लिखा है, वन जीरो के लिए वन, जीरो के लिए क्या है यहां पर, डोंट केयर है, देन वन वन के लिए भी डोंट केयर है। सो यहां पर ये ग्रुप हम बनाएंगे इसको, तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जे इज इक्वल टू, इस साइड में ये वन है तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी के बराबर है।
अब इसी तरह से हम k के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, फॉर k, k के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, उसी तरह से यहां पर दिस इज क्यू एन टी जीरो वन जीरो वन. अब यहां पर हम जीरो जीरो के लिए क्या लिखेंगे, हम जीरो जीरो के लिए डोंट केयर, दिस इज डोंट केयर. जीरो वन के लिए देन अगेन डोंट केयर. देन वन जीरो के लिए जीरो लिखेंगे यहां पर, वन वन के लिए वन लिखेंगे यहां पर, और ये ग्रुप हमारा बनेगा. सो के की वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, दिस इज वन टी के बराबर. सो जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू किसके बराबर आया, टी के बराबर आया. मींस अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना. तो फिफ्थ स्टेप क्या हुआ इसका, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम. सो अब यहां पर सर्किट डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, हमें जेके फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है इस तरह से, दिस इज जे के, दिस इज क्यू एन, क्यू एन कॉम्प्लीमेंट, और दिस इज क्लॉक. अब हमें क्या आया इक्वेशन हमारी, J इज इक्वल टू टी और K इज इक्वल टू टी, दोनों T के बराबर हैं. इट मींस कि इन दोनों को हम यहां पर शॉर्ट कर दें इस तरह से, और इसको हम क्या कहें, दिस इज T. तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा, दिस वॉज जे के फ्लिप फ्लॉप, और इसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, टी फ्लिप फ्लॉप के. सो इस तरह से आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट कर सकते हैं अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप से, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये पांच स्टेप्स यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सो कमिंग लेक्चर में हम और कन्वर्जन करेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. यदि आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. थैंक यू फ्रेंड्स.